तो यार ऐसे कोडिंग स्कूल्स में फंसने से बेटर है, 2 लाख रुपए इन्हें देने से बेटर है आप खुद से ट्राई करो। जब आपको ऐसे जॉब नहीं मिलेगी तब ऐसे कोडिंग स्कूल्स को आप एक बार चेक कर सकते हो। ऐसे फालतू का इन्हें 2 लाख रुपए देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। आप लोग झूठ में, अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, आप अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ही इन कोडिंग स्कूल्स को ज्वाइन करोगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्ड करो, पढ़ाई करो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग के सामने मैं रिव्यू करने वाला हूं एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मैं उस प्लेटफॉर्म का रिव्यू करूँ। तो यार एट द लास्ट उसका रिव्यू आ चुका है और जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है गिगस्टर। गिगस्टर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग में से बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते होंगे। लेकिन मैं अभी इन डिटेल हर एक एस्पेक्ट, जो भी फीचर्स हैं, कैसे आपको वहाँ पे पैसे पे करने होते हैं, क्या क्या उसमें पढ़ाया जाता है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर कैसे हैं, वहाँ पे जो कंपनीज हायरिंग के लिए आती हैं वो कैसी हैं, हर एक डिटेल को मैं डिस्क्राइब करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हाय गाइस, मेरा नाम कैस है, आप सभी लोग को पता है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम कैस है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अभी मैं फुल टाइम एयरटेल में काम करता हूँ। और इस चैनल पे मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं प्लेटफॉर्म की रिव्यूज़ करता हूँ, स्कॉलरशिप्स, साथ में इंटर्नशिप्स, जॉब्स, हर तरीके के वीडियोस बनाता हूँ जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिलती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो गाइस टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस वीडियो के लिए मुझे कहीं से भी कुछ भी पैसा नहीं मिला हुआ है। मैं खुद से, जो मेरे वीडियोस पे कमेंट आते हैं, जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूं और ये ऑनेस्ट रिव्यू है। इसमें कोई भी मैं क्रीम लगा के बात करने वाला नहीं हूं। जो बात करूंगा ऑनेस्टली बात करूंगा और फैक्ट्स जो हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें गिगस्टर के बारे में, तो ये भी पे आफ्टर प्लेसमेंट बेसिस पे काम करता है। जो पे आफ्टर प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट है या फिर जो थ्योरी है, सेम थ्योरी फॉलो करता है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे ISE इनका एग्रीमेंट थोड़ा सा चेंज है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अदर जो कोडिंग स्कूल्स हैं, जैसे मसाई स्कूल है, न्यूटन स्कूल है और अदर स्कूल जो कोडिंग निंजास, ऑडियन स्कूल, ये सारे स्कूल्स हैं, सेम थ्योरी को फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं इनके ISE एग्रीमेंट में, जो अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो गाइस सेम यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, यहां पे आफ्टर प्लेसमेंट बेसिस चलता है। आपको पढ़ाई करने से पहले एक भी रुपया इन्हें नहीं देना होता है, लेकिन जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इन्हें जो भी पैसा, इनका जो भी कोचिंग या ट्यूशन की फ़ी है वो वापस करना होता है, वो मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हायरिंग एंड रेफरल पार्टनर्स के बारे में। हायरिंग और रेफरल में डिफरेंस है, यहाँ पे वो बात आप लोग समझो। हायरिंग का मतलब ये हुआ, ये कोडिंग जो स्कूल्स होते हैं यहाँ पे कुछ कंपनीज विजिट करती हैं और स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसे कि कॉलेजेस में फॉलो होता है। कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं, टेस्ट होता है, कोडिंग टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरव्यूज होता है और बच्चों की प्लेसमेंट होती है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट जिसे आप लोग बोलते हो। तो कोडिंग स्कूल्स के लिए सेम ऑन कैंपस प्लेसमेंट को आप हायरिंग बोल सकते हो। इसके साथ है रेफरल। रेफरल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लोग आपको पढ़ाते हैं, यानी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं आपके, साथ में जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनके कुछ रेफरल्स होते हैं। रेफरल यानी जैसे मान लो यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर है, वो पेटीएम से है और यहाँ पे साथ साथ में पढ़ा रहा है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट से है, गूगल से है, तो उनके पास रेफरल्स होते हैं। जैसे उनकी कंपनीज में कोई ओपनिंग आती है तो यहाँ के कैंडिडेट्स को वो लोग रेफर करते हैं। अगर यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, आप अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपको रेफर करेंगे, डायरेक्टली वहाँ पे आपका इंटरव्यू हो सकता है या फिर आपका डायरेक्ट टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। यानी नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है हायरिंग का, सेम फॉलो होगा, लेकिन तो आपका रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, उसमें आपको वेट नहीं करना होगा, डायरेक्ट आपको रेफरल मिल जाएगा। जो भी कंपनी का प्रोसीजर है वो फॉलो करके आप वहाँ पे जॉब पा सकते हो। तो रेफरल एक तरीके से अच्छा एक रास्ता माना जाता है। अगर आपको किसी कंपनी का रेफरल मिल जाता है और आपके पास स्किल्स हैं तो आपके पास जॉब पाने के चांसेस अधिक होते हैं। तो ये मेरे को अच्छा लगा इस कंपनी का कि ये माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एडोबी, गूगल, पेटीएम, मॉर्गन स्टैनले, फ्लिपकार्ट, साथ में फेसबुक और गोल्डमैन, जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, उसके साथ साथ 150 प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। तो ये सारी जो कंपनीज हैं इनमें हायरिंग हो सकती है या फिर आपको रेफरल प्रोवाइड किया जा सकता है। अब मैं दोस्तों अब फैक्ट्स की बात करूँ, तो इन्होंने जो अपनी प्लेटफॉर्म पे लिख रखा है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एडोबी, साथ में जो मॉर्गन स्टैनले है, फ्लिपकार्ट है, अगर इन्होंने सच में लिख रखा है कि ये सारी कंपनीज यहाँ पे आके हायरिंग करती हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग स्कूल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया के टॉप टेक कंपनीज हैं, जो इंडिया में अभी हैं, MNCs हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिलने का चांस मिल सकता है। लेकिन एक फैक्ट और भी है, ये अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इनकी वेबसाइट है, इन्होंने वेबसाइट खुद से क्रिएट किया। मैं भी कोई वेबसाइट क्रिएट करता तो मैं अपनी कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी लिख सकता हूँ।
और अमेजन फ्लिपकार्ट ये मुझसे पूछने नहीं वाले हैं कि यार तुमने क्यों लिख रखा है, क्योंकि वो ऐसा कुछ ध्यान भी नहीं देते हैं। तो यार ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि आप लोग इसको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करना, क्रॉस वेरीफाई इन द सेंस अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने जाओ तो उससे पहले लिंक्डइन वगैरह पे थोड़ा सा सर्च कर लेना कि यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ रहा हो, उसकी जॉब लगी हो, तो यार लिंक्डइन वगैरह पे थोड़ा सा आप रिसर्च कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी कोई भी लिख सकता है, थोड़ा सा आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन ये सच है तो दी बेस्ट है। ऐसी कंपनीज में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर ऐसी कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जॉब मिलने का तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको टेक्निकल प्रोफिशिएंसी मिलती है, आप बहुत अच्छे से कोडिंग वगैरह में बहुत अच्छा स्किल गेन कर सकते हो, सॉफ्ट स्किल भी आप गेन कर सकते हो साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन में, और यहाँ पे हेल्प की जाती है स्टूडेंट्स को जॉब्स पाने में। तो ये सारी कोडिंग स्किल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, इसमें कुछ नया बात नहीं है। प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के प्रोग्राम्स हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर में है या फिर अभी उनको जॉब नहीं मिली है। तो जो पहला है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, जिसमें एलिजिबिलिटी है बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल, अगर आपके बेसिक आता है प्रोग्रामिंग का तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो क्लास की टाइमिंग है दोस्तों, मंडे टू सैटरडे है शाम को 8 बजे से 10:30 बजे तक, और यहाँ पे जो सैलरी का कमिटमेंट है वो 5 से 30 लाख का है, बहुत अच्छी बात है। यानी यहाँ की क्लास टाइमिंग भी ऐसी है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रात में पढ़ाई इनकी चल रही है तो उसको आप अटेंड कर सकते हो। ड्यूरेशन है 6 मंथ्स का, पार्ट टाइम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों एक है एडवांस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1 साल का आपके पास डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेशंस केवल वीकेंड पे होते हैं 10 बजे से 2 बजे तक, और यहाँ पे जो सैलरी कमिटमेंट है वो 8 से 40 लाख है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल ही पढ़ाई करने वाले हैं, और ड्यूरेशन 4 महीने का होने वाला है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, लाइव प्रोजेक्ट मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, करियर गाइडेंस मिलेगा, सारी कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, सारे कोडिंग स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो इनमें कुछ अलग से कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ अच्छा ऐसा नहीं है कि जो कैची हो और आपको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट होने वाला हो, तो ये भी ठीक है। ट्यूटर्स की बात करते हैं, मेंटर्स की बात करते हैं, यहाँ पे कोई गलत नहीं लिख सकता है, क्योंकि ये लोग मेरा नाम यहाँ पे नहीं डालने वाले हैं, यहाँ पे जो ट्यूटर्स हैं उनका ही नाम डाला जाएगा। और मैंने ट्यूटर्स को देखा तो ट्यूटर्स बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पे जो ट्यूटर हैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, वेलोसिटी, मर्सिडीज, अमेजन, गूगल, पेटीएम वगैरह से हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जो ट्यूटर्स हैं आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, उनका वर्किंग एक्सपीरियंस, जो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है उनके पास बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो बंदा गूगल में काम कर रहा है वो आपको बहुत ही अच्छे से बता सकता है कि कैसे आपको प्रोजेक्ट को अप्रोच करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, और कैसे आप ऐसी कंपनीज में जॉब पा सकते हो। क्योंकि यार अगर मैं एयरटेल में हूँ तो मुझे पता है एयरटेल में आने के लिए आपको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब पा सकते हो। ऐसे ही गूगल का बंदा भी बता सकता है कैसी उसकी जर्नी थी, कैसे आप उसको रिप्लिकेट कर सकते हो या फिर कैसे उसे और भी ईजी बना सकते हो। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, अगर ऐसी कंपनीज में जॉब पाना चाहते हो तो आप जरूर से इसको एक बार चेक करना। पे आफ्टर प्लेसमेंट अच्छी बात है। अब देखो यार, अब आता है सबसे अच्छी बात जो आपको ध्यान देना है, और ध्यान देना ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो ये है कि यहाँ पे कुछ लिखा गया व्हाट आर स्टूडेंट्स से अबाउट अस, यानी इनके रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ आपको केवल इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि रिव्यूज़ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जेन्युइनली मैं किसी भी बंदे का फोटो लगा के कुछ भी रिव्यू लिख सकता हूँ। आपको क्या करना है कि इन बंदों को लिंक्डइन पे सर्च करना है, इन बंदों के नाम लिंक्डइन पे सर्च करो विद गिगस्टर, गिगस्टर कीवर्ड से इन बंदों को लिंक्डइन पे सर्च करो। अगर इन्होंने रियली में गिगस्टर से पढ़ाई किया हो तो जरूर इन्होंने लिंक्डइन पे कुछ ना कुछ मेंशन कर रखा होगा। वहां पे जाओ, इन बंदों से कनेक्शन क्रिएट करो, इन बंदों से बात करो, शायद आपको उससे थोड़ा और भी विजुअलिटी मिले, आप और भी अच्छे से समझ पाओ कि गिगस्टर कैसा प्लेटफॉर्म है। तो अभी तक आपने वीडियो में कुछ भी देखा वो कुछ समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिव्यूज़ फाइंड करो, जो बंदे रियल लाइफ एग्जांपल हैं इन बंदों को लिंक्डइन पे फाइंड करो और उनसे डायरेक्टली बात करो, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से आप समझ पाओगे। तो ये ज़रूर से फॉलो करना है यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनका जो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है, जो बूट कैंप है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है 6 महीने के, 5 से 30 लाख की आपको जॉब लगती है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलते हैं, पर्सनल मेंटरिंग मिलती है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मिलती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रेफरल्स, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है, ये सारा कुछ मिलता है, सारे कोडिंग स्कूल्स में सारे मिलते हैं। तो इसमें कुछ अलग से कुछ नया बात नहीं है। कोर्स डिटेल्स के बारे में बात करें तो मैंने कोर्स डिटेल्स इनके देखा तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कोर्स डिटेल्स, क्योंकि यार यहाँ पे
जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनके लिए अलग से इन्होंने उसको अलग कर रखा है, अलग से उसकी पढ़ाई होती है। इसके साथ साथ कैपस्टोन प्रोजेक्ट है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, मॉक इंटरव्यूज हैं, ये सारा कुछ है। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड HTML, CSS, JavaScript, एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है, जिससे कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम फी के बारे में। प्रोग्राम फी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो ट्यूशन फी है दोस्तों, वो 2 लाख रुपए है विद GST, यानी GST अलग से आपको देना पड़ेगा। और इस 2 लाख को आपको जब भी आपकी जॉब मिलती है 5 से 30 लाख के बीच में, तो आपको इन्हें वापस करना होता है। वापस ऐसे करना है कि जो आपकी मंथली सैलरी होगी उसका 20% इनको देना है हर मंथ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है कितनी नहीं है, इट डजंट मैटर। 5 लाख से अधिक की आपकी CTC है तो आपकी सैलरी जितनी भी बनती हो उसका 20% हर महीने इनको देना है, जब तक टोटल अमाउंट जो आप इन्हें पे कर रहे हो वो 2 लाख प्लस GST ना हो जाता हो। तो आप शायद समझ गए हो क्या फंडा है इनका। तो लगभग इनका जो फी है 2 लाख से थोड़ा सा अधिक, आप समझ सकते हो 2 लाख में और भी GST ऐड कर लेना, आप GST कितना होता है GST को आप छोड़ दो, तो टोटल इनका जो फी है वो 2 लाख रुपए। यानी आपको यहाँ से 5 से 30 लाख की अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको इन्हें 2 लाख रुपए देना होता है। आप लोग सोच सकते हो इनको ज्वाइन करने की ज़रूरत है कि नहीं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैसे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो एडमिशन के लिए सिंपल, आप यहाँ पे अप्लाई करो, असेसमेंट टेस्ट दो, फ्री कोर्स, आप 7 दिन का फ्री कोर्स इनका अटेंड करो, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें आप अपना SIISA वगैरह साइन करोगे और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस कोडिंग स्कूल को आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वीडियो आप लोग इसीलिए देख रहे थे और ये मैं अगर ना बताऊं तो इससे थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। तो यार अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 2-3 साल पहले पास आउट हुए हो, अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है, या फिर आपको ऐसी जॉब मिली है जिससे आप खुश नहीं हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस कोडिंग स्कूल को ज्वाइन कर लो। क्योंकि अगर आप इस कोडिंग स्कूल को ज्वाइन करते हो तो होपफुली अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो यहाँ पे तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप फाइनल ईयर में हो, अभी आप कॉलेज में हो, तो ऐसे कोडिंग स्कूल्स को ज्वाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं साफ मना करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, ऐसे कोडिंग स्कूल्स नहीं ज्वाइन करें। क्योंकि यार आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है, आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो। तो यार ऐसे कोडिंग स्कूल्स में फंसने से बेटर है, 2 लाख रुपए इन्हें देने से बेटर है आप खुद से ट्राई करो। जब आपको ऐसे जॉब नहीं मिलेगी तब ऐसे कोडिंग स्कूल्स को आप एक बार चेक कर सकते हो। ऐसे फालतू का इन्हें 2 लाख रुपए देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। आप लोग झूठ में, अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, आप अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ही इन कोडिंग स्कूल्स को ज्वाइन करोगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्ड करो, पढ़ाई करो। और सबसे अच्छा मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं, जैसे गीक्स फॉर गीक्स के कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं, उनसे आप एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह सीख सकते हो और उनसे आप बहुत ही अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो और ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस में अच्छा परफॉर्म करके जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और ऐसी ही वीडियोज आप देखना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।